हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ डाइटिशियन हरप्रीत। हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, वेदर चेंज हो गया है ना, विंटर्स आ रही हैं, समर जा रही है, स्किन जो हमारी स्कैल्प है वो ड्राई हो रही है, तो हेयर फॉल्स हो रहा है। सब सब प्रॉब्लम्स हमारे कहाँ आके फंस जाती है, हमारे हेयर्स में। हमारे बाल झड़ने लग जाते हैं, हमें बाल झड़ रहे हैं उस चीज़ की टेंशन होने लग जाती है। स्ट्रेस होगा तो आपकी स्किन पे भी आएगा, आपके वेट लॉस की जर्नी को इफ़ेक्ट करेगा, आपकी आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी, है ना। अगर दिमाग पे हमें किसी भी चीज़ की टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है, तो हमें ये सब चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। तो टेंशन लेने से तो हमारा जो हेयर फॉल है वो रुकने वाला नहीं है, ना ही स्ट्रेस लेने से कुछ होगा, ठीक है। किसी भी चीज़ से हेयर फॉल तो नहीं रुकने वाला है। हेयर फॉल रोकने के लिए तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारा हेयर फॉल क्यों हो रहा है, तभी वो रुक पाएगा। सो सबसे पहले हम रूट कॉज के बारे में बात करेंगे। जो हेयर फॉल है उसका रूट कॉज क्या होता है? हमारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसकी हमारी बॉडी में कमी होने के कारण, है ना, लैक ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्योंकि जब हम लोग खाना खाते हैं, हमें पता है हमने प्रोटीन लेना है, हमने फाइबर लेना है, हमने गुड कार्ब्स लेने हैं, गुड लो बैड लो, लेकिन कार्ब्स लेने हैं, हमें ये चीज़ की नॉलेज होती है सबको। बट हमें ये नहीं पता होता कि हमें कैल्शियम भी लेना है, हमने आयरन भी लेना है, हमने पोटेशियम भी लेना है, हमने सिलेनियम भी लेना है, हमने जिंक भी लेना है, हमने हमारे जो विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं हमें वो भी पूरे करने हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों की हमें नॉलेज नहीं होती, क्योंकि ये हमें छोटी छोटी चीज़ों में से ना, छोटी छोटी मात्रा में हमें मिलते रहते हैं। तो हमारा जो सॉरी फॉर माई वॉइस, आज थोड़ा गला ख़राब है, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, हमारा जो मेन फोकस है वो हमारा प्रोटीन पे, हमारा कार्ब्स पे और हमारा फाइबर पे, इसी पे रहता है ना। पेट कम कर रहा है तो प्रोटीन लो भाई, कार्ब लो कार्ब कर दो, प्रोटीन लेना शुरू कर दो ज़्यादा, और फाइबर बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर दो, है ना। हमें सिर्फ यही पता होता है, लेकिन हम ये चीज़ें जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसके हमारी बॉडी को, हमारी इन हर एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, हम उनको भूल जाते हैं, है ना। तो आपने क्या करना है, हमारे चेक करवाना है। ये चेक कहाँ से होगा, आपको अपना ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा। आप जैसे ही सीज़न चेंज होता है आप अपना ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स में आप देखिए कहीं आपको आयरन की कमी तो नहीं है, विटामिन B12 की आपको कमी ना हो, आपको थायराइड का इशू ना हो, आपके जो CBC काउंट है वो सही होने चाहिए, आपका हीमोग्लोबिन सही होना चाहिए। अगर आपको ये सारी इशूज़, इन सब में से कोई भी इशू आपको मिलता है अपनी रिपोर्ट्स में, तो हमें पहले उस पर वर्क करना होगा, ठीक है। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है, है ना, अगर आपको थायराइड है, तो पहले हमें उस पर वर्क करना होगा। हेयर्स को बाद में हम देखेंगे कि हेयर्स के लिए हमने क्या करना है। पहले थायराइड ठीक करो, हो सकता है आपका हेयर फॉल होना ही बंद हो जाए, है ना। B12 को, आयरन को, हीमोग्लोबिन को, इन सब चीज़ों को आपने पहले ओके करना है, उसके बाद हो सकता है आपका हेयर फॉल होना बंद हो जाए। उसके बाद हमारा नंबर सेकंड आता है हमारी गट हेल्थ। अगर आपके गट में इश्यूज है, गट में इश्यूज क्या होता है, जो हमारा स्टमक है उसमें खाना कैसे जा रहा है, कैसे वो डाइजेस्ट हो रहा है, उसका जो डाइजेशन प्रोसेस है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर आपने प्रोटीन वाली डाइट ली है तो आपकी बॉडी को प्रोटीन मिल रहा है कि नहीं हो रहा। बेसिकली हमें देखना होता है कि जो भी हमने खाया है वो एब्जॉर्ब हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेते भी हैं, है ना, सपोज आप रोज़ खा रहे हैं, हर ऐसी चीज़ें खाते हैं जिसमें से आपको, ऐसे नट्स हैं, सीड्स हैं, है ना, अगर आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वाली चीज़ ले रहे हैं, बट आपकी बॉडी में, आपकी गट हेल्थ के आपको इश्यूज़ हैं, एसिडिटी रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, ठीक है, तो आपके जो आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेने के बावजूद भी वो आपके स्टमक में एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे। एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो आपको मिलेंगे कहाँ से? तो हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जो आपका गट है वो बिल्कुल ओके होना चाहिए, डिटॉक्स होना चाहिए, अच्छे से वर्क करता हुआ होना चाहिए। आपको एसिडिटी, आपको कॉन्स्टिपेशन, ऐसे आपको इशू आपके नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा विटामिन डी और B12 अगर आप ले रहे हैं, ठीक है, विटामिन बी के चाहे 12 टैबलेट ले रहे हो, चाहे विटामिन डी के आप ले रहे हो, वो भी एब्जॉर्ब नहीं होगा आपकी बॉडी में, ठीक है। जो अगर आप धूप में भी बैठ रहे हो वो भी आपको एब्जॉर्प्शन में उसकी प्रॉब्लम आएगी। तो नंबर 3 पे हमारा आता है स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, आपकी जो स्लीप है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही है ना, हमारा हेयर फॉल हो रहा है, हमें बहुत टेंशन हो रही है, ठीक है, हमें बहुत स्ट्रेस हो रहा है, उसकी वजह से स्ट्रेस के कारण क्या होगा, आपका हेयर फॉल बढ़ेगा। स्ट्रेस के कारण आपका जो हेयर फॉल है वो बंद होने वाला नहीं है और कम होने वाला भी नहीं है। तो जो स्ट्रेस है
वो आपके हेयर फॉल को इंक्रीज करता है। उसके अलावा अगर आप प्रेगनेंसी में हैं, आपका प्रेगनेंसी फेज चल रहा है, तो उसमें भी आपके जो हेयर फॉल्स हैं वो जा सकते हैं, हेयर फॉल्स मतलब हो सकता है। उसके अलावा अगर आप किसी तरह की कोई सर्जरी हुई हो, ठीक है, उसके बाद भी जैसे डिलीवरी के बाद होता है, या और भी बहुत तरह के जो किसी का किसी चीज़ का ऑपरेशन हो रहा है या सर्जरी हो रही है, उसके बाद भी हमें ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं, ठीक है। अगर आप किसी भी तरह की मेडिकेशन पे हो, सुबह उठने से लेकर रात तक आप 10 तरह की दवाइयाँ खा रहे हो, तब भी आपको हेयर से रिलेटेड इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, हेयर का जो हमारा हेयर फॉल होता है वो आपको देखने को मिल सकता है। उसके अलावा अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, हार्मोनल से रिलेटेड इश्यूज हैं, PMS से रिलेटेड इशू हैं, एंड आपको PCOD PCOS आजकल 10 में से 9 लोगों को 9 गर्ल्स को ये सब हार्मोनल्स का इशू होता ही है, ठीक है, तो उस कारण भी आपको हेयर फॉल्स देखने को मिल सकता है। उसके अलावा अगर आप अपने हेयर्स पे किसी भी तरह का केमिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हो, कुछ भी आजकल इतने तरह के केमिकल ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं हेयर्स को ऐसे कर दो वैसे कर दो, अगर आप वो करवा रहे हो तब भी आपको अपना हेयर फॉल्स देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डाइटरी मॉडिफिकेशन के बारे में। अगर आपको हेयर फॉल्स को अगर आपने अपनी हर चीज़ को देखा है, जांचा है, तो उसके बाद डाइट में आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब हमारा आया डाइटरी मॉडिफिकेशन का पार्ट, ठीक है। ये हमारे सारे रूट कॉज थे जिनके बारे में हमने बात की है, ठीक है, और अब हम डाइटरी के बारे में बात करेंगे। डाइट में सबसे पहले हमारा आता है प्रोटीन। प्रोटीन रिच आपने डाइट लेनी है, ठीक है। वो आपको कहाँ से मिलता है, आपको नट्स से मिल रहा है, नट्स हैं, सीड्स हैं हमारा, ठीक है। फ्लैक्स सीड्स आपको लेने, फ्लैक्स सीड को आप पाउडर बना के आप उसको कर्ड में डाल के ले सकते हैं। उसके अलावा आप जो हमारी पल्सीज होती हैं, दालें हैं, आपको वहाँ से प्रोटीन मिलता है, सोयाबीन से आपको प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन रिच डाइट आपको अपनी डाइट में ऐड करना है, प्रोटीन रिच जो भी फूड्स होते हैं उनको आपने अपनी डाइट में ऐड करना है। नेक्स्ट हमारा आता है विटामिन सी। विटामिन सी हमारे हेयर्स के लिए, हमारे स्किन के लिए बहुत मैजिकल होता है। तो विटामिन सी हम कहाँ से ले सकते हैं, आप गुआवा का इंटेक कर सकते हैं, ऑरेंजेस का इंटेक कर सकते हैं, विंटर्स में हमारे पास आंवला है, पपाया है, हमारी बेल पेपर्स होती हैं जो कि हमारी शिमला मिर्च होती है, ग्रीन कलर की, रेड कलर की, येलो कलर की, जो येलो और रेड होती है वो थोड़ी कॉस्टली होती है, बट आपको समटाइम्स उसको भी यूज़ करना चाहिए अपनी डाइट में। आप किसी भी चीले में ऐड कीजिए, पोहा में ऐड कीजिए, उसका टेस्ट और लुक वाइज वो बहुत अच्छी लगती है, और जो उसके जो हमारे बेनिफिट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वंडर्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे बेल पेपर्स हैं, उसके अलावा ये जो विटामिन सी क्या होता है, कॉलेजन को प्रोड्यूस करता है, तो हमारे बालों का जो वो होता है प्रोटीन होता है वो कोलेजन ही तो होता है, तो आपको कोलेजन को कोलेजन वाली चीज़ें खानी है, विटामिन सी वाली लेनी है। और ट्राई कीजिए कि आप जूसेस ना लें, जूसेस की जगह डायरेक्ट आप फ्रूट को कंज्यूम करें, ठीक है, क्योंकि फ्रूट हमें क्या करना है, हमने डायरेक्ट फ्रूट खाना जो कि हमें ज़्यादा फ़ायदा दे, हमारे विटामिन डी की जो एब्जॉर्प्शन होती है, और हमारे जो डायरेक्ट जब हम फ्रूट खाते हैं तो वो हमारी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आप विंटर्स में हम स्वीट पोटैटो का भी यूज़ कर सकते हैं, जो हमारी शक्करकंदी आती है, आप उसको बॉयल करके रख लीजिए, आपको इवनिंग में उसको कभी भी पील किया और आप उसको खा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने आयरन का ध्यान रखना है। आयरन हमारे जो फॉलिकल्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स, उनको आयरन ही अपना वो फीड करता है, ठीक है, तो हमने आयरन का ध्यान रखना है। उसके लिए आप आयरन रिच चीज़ें खा सकते हैं, जैसे कि हमारी क्या स्पिनच होती है, हमारी आपने नट्स और सीड्स में काला मुनक्का ज़रूर ऐड कीजिए, किशमिश आप ऐड कर सकते हैं, बीट रूट में आयरन होता है उसको आप ऐड कर सकते हैं। आयरन रिच चीज़ें आप अपने डाइट में ऐड रखिए, ठीक है। डेट्स हैं, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स हैं, फिग्स हैं, प्रूनस हैं, इन सब चीज़ों को आप अपनी डाइट में ऐड कीजिए, अपनी डाइट का पार्ट बनाइए। उसके अलावा जिंक, सिलेनियम, ये भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी हमारे यहाँ में ज़रूरत होती है, ये आपको जौ, ज्वार, बाजरा इनसे मिल जाते हैं, ब्राउन राइस से आपको अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारा आता है बीटा कैरोटीन, जो कि हमें विटामिन ए है। विटामिन ए आपको कहाँ से मिलता है, हमें विटामिन ए कैरेट्स से मिलता है, वही हमारी बेल पेपर्स आ जाती हैं, शिमला मिर्च,
रेड येलो ग्रीन वो आप अपनी डेली डाइट में ऐड रखिए। उसके अलावा पम्पकिन खाना, कद्दू, कद्दू हम सबको पसंद नहीं होता बट मुझे पसंद है, तो आप कद्दू की अच्छी सी एक सूखी सब्जी बना के खा सकते हैं, कद्दू को मैश करके उसको आटे में भी गूंद सकते हैं। उसकी रेसिपी मैं जल्दी ही शेयर करूंगी, आपके बच्चों को भी खिलाइए ताकि उनको भी आगे चल के ऐसे वाली प्रॉब्लम्स ना आए, ठीक है। उसके अलावा हमारा स्वीट पोटैटो तो होता ही है जिसमें हमें विटामिन ए मिल जाता है, ठीक है। तो देखिए स्वीट पोटैटो आपको ए भी दे रहा है और सी भी दे रहा है, तो ऐसे आप कुछ ऐसे फूड्स को अपने डाइट में ऐड कीजिए जो आपको सब कुछ एक ही फूड में मिल रहा है, ऐसे फूड्स आप ढूंढिए, देखिए, ठीक है, आपके कौन से आप एरिया से हैं, कौन से रीजन में आपको क्या चीज़ अवेलेबल मिल रही है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपने अपनी डाइट में ऐड करना है। उसके बाद हमारा लास्ट आता है विटामिन ई, बायोटीन। हमें बायोटीन कहाँ से मिलता है, विटामिन ई से मिलता है। तो उसके लिए आप नट्स को, सीड्स को, फर्मेंटेड आइटम्स को, जो हमारे फर्मेंटेड फूड्स होते हैं, इडली, ढोकला, ठीक है, इन सब चीज़ों को, डोसा, इन सब चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड कीजिए। बट मेक श्योर उसको फ्रूट्स ऑल्ट से आप फर्मेंट ना कीजिए, जो कि हम इनो डाल के करते हैं। एक आपने क्या कोशिश करनी है कि उसको नेचुरली फर्मेंट कीजिए, तभी आपको विटामिन ई, बायोटीन एंड विटामिन बी 12 उससे मिल पाएगा। उसके अलावा मैं बात कर रही हूँ थोड़ी सी होम रेमेडीज़, ठीक है। तो आपने कौन सी होम रेमेडीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल होम रेमेडीज़ हैं जो सब हर कोई कर सकता है। सबसे पहले तो हमारा जो करी पत्ता होता है ना, करी पत्ता को आप पाउडर सुखा के ना उसको पाउडर फॉर्म में बना लीजिए, और थोड़े से कोकोनट ऑयल में, जितना आपने अपने हेड पे मसाज करनी है, थोड़े से कोकोनट ऑयल में आप करी पत्ते का पाउडर को डाल के रख दीजिए। सपोज आपने संडे को मसाज करनी है तो फ्राइडे को रात को ही आप डाल के रख दीजिए। दो दिन वो कोकोनट के ऑयल में अगर करी पत्ता रहेगा तो वो अपना सारा जो भी उसके बेनिफिट्स हमने लेने हैं वो हमारे ऑयल में आ जाएंगे। आप उसके साथ अपने सर की अच्छे से मसाज कीजिए और उसको 2-3-4 घंटे रहने दीजिए, ठीक है। 2 घंटे वैसे सफिशियंट होते हैं, अगर आप ज़्यादा रख सकते हो तो ज़्यादा भी रख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आता है ऑनियन, ऑनियन हेयर्स के लिए, ऑनियन में सल्फर होता है, हमारे बालों के लिए सल्फर रिच फूड बहुत अच्छे होते हैं। तो ऑनियन, अगर आपको सिर्फ ऑनियन का जो जूस होता है वो लगाना है, आप क्या कर सकते हो, ऑनियन में थोड़ा सा गार्लिक का जूस भी ऐड कर सकते हो और थोड़ा सा हनी, क्योंकि विंटर्स हैं, विंटर्स में क्या होता है जो हमारी स्किन है ना वो ड्राई हो जाती है, ड्राई होने के कारण वो हमारा हनी उसको क्या करेगा, थोड़ा सा उसको मॉइस्चर देगा, ठीक है। तो आपने हनी ऐड कर सकते हो। नंबर 3 पे हमारा आता है लेमन जूस। आपका जब विंटर्स में डैंड्रफ काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो आप लेमन जूस को मस्टर्ड ऑयल में डाल दीजिए, क्योंकि लेमन जूस ड्राई करेगा आपके बालों को। लेमन के जूस को आप मस्टर्ड ऑयल में डाल के रख दीजिए और उसको 2-3 रात को रख दीजिए और सुबह उसको आप अपने हेयर्स के, अपनी जड़ों में पूरा अच्छे से लगा सकते हैं, ठीक है। उसकी भी आपने मसाज करनी है। उसके अलावा सबसे अच्छा वो एक होता है एलोवेरा का जेल। एलोवेरा के जेल को आप उसमें विटामिन ई के जो कैप्सूल मिलते हैं, विटामिन ई का कैप्सूल आप एलोवेरा के जेल में डाल के उसको लगा सकते हैं और उससे भी आपके बालों को क्या मिलेगा, एक हेयर फॉल को रोकने में काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। उसके अलावा हमारा आता है मेथी दाना। मेथी दाना का आपने पाउडर बनाना है और उसको मस्टर्ड ऑयल में सोक करके रख देना है 1-2 दिन के लिए, ठीक है। वही आपने सेम करना है कि जैसे फ्राइडे रात को भिगो के रख, सोक करके रखा और आपने संडे को उसकी मसाज करनी है अपने हेड पे। अगर आपको ग्रे हेयर्स को भी अवॉइड करना चाहते हैं तो आप मस्टर्ड ऑयल के, मस्टर्ड पाउडर के साथ साथ कलौंजी का पाउडर भी पीस के दोनों को आप मस्टर्ड ऑयल में ऐड करके अपने हेड की मालिश कर सकते हैं। उसके अलावा आपने अपनी डाइट का ध्यान रखना है, खाने का ध्यान रखना है, बाहर के जंक फूड को अवॉइड करना है, फ्राइड को अवॉइड करना है, बेकरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है, इन सब चीज़ों को अवॉइड करो। वंस इन वीक चलता है बट ऐसा नहीं कि डेली ही हम सब कुछ खा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए और थोड़ा सा अपनी डाइट में मॉडिफिकेशन कीजिए तो आपका जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। तो आज का वीडियो यहीं पर मैं एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।